प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और नव वर्ष की बहुत सारी मुबारकें एडवांस में। इस वीडियो से, इस मैसेज से आपको जो समझ आने वाली है, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये है वो स्थान, मेरा गद्दा जहाँ पर मैं बैठकर कल से प्रेयर कर रहा हूँ और आज भी सारा दिन मैं प्रेयर में हूँ। और ये मैं ऐसे कंबल में बैठा हूँ और ये पहली बार होगा कि कोई अपोस्टल मैन ऑफ गॉड ऐसी सिचुएशन में बैठकर इस वीडियो को बना रहा है, क्योंकि मैं चाहता तो अपने ऑफिस में, ऑफिस की बड़ी घूमने वाली चेयर पर बैठ सकता था, या मेरे घर में और भी स्थान है अच्छे अच्छे वैसे तो ये बेडरूम बिल्कुल नया बना है मेरा, लेकिन मुझे नीचे बैठना और नीचे सोना अच्छा लगता है कलीसिया सच्ची। तो ये तो जस्ट मैं छोटी सी एक बात कर रहा था आपके विश्वास के लिए, लेकिन अभी जो मैसेजेस हैं, जो परमेश्वर ने मेरे मन में आपके लिए एक मैसेज लगाया है, उसे सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि 2024 है जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। और आज है सैटरडे मॉर्निंग, ये मॉर्निंग बनी है वीडियो, लेकिन जो कल हमारी संडे की सुबह मीटिंग नहीं होनी, हमारी मीटिंग स्टार्ट होनी है शाम को। लोग तो 4-5 बजे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मे बी 7-7:30 तक लाइव स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना मन खोला है, जैसे एक ही फैमिली ने 8 कॉफ़ी मशीन, 8 टिक्की स्टॉल, उसके अलावा पकौड़े हैं, जलेबी है, स्नैक्स हैं और दाल चावल भी हैं, है ना। जैसे कोई सोचता है कि इससे मेरा पेट नहीं भर सकता, तो ये सब कुछ है ना, जैसे बाइबल में लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे कोई दास को एक गिलास ठंडा पानी भी देगा तो मैं उसका भी फल अजर दूंगा। तो ये वो लोग अच्छे मन के लोग हैं जो परमेश्वर के लिए ऐसा करते हैं, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके कामों में आगे आए, है ना। ये उसका काम है ना, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था ना कि जब बहुत सारी कलीसिया यीशु मसीह के पास आई तो उसने कहा ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, इनको खाने को दो, जब उनके पास खाना नहीं था, है ना। तो यीशु मसीह भी ये ऐसे चिंता रखते थे अपने लोगों के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा ना, प्रभु के लोगों में ये मन, है ना। लेकिन इस वीडियो का बनाने का जो असली मकसद है वो है क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, जिसमें हम संगति करते, पवित्रताई में परमेश्वर के वचन को सुनते, टेस्टिमनी को सुनते, 24 में प्रवेश करेंगे एक ग्रेस के नीचे, एक सामर्थ के नीचे। 24 का साल हमारी जिंदगियों में आएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है कि आप जब नव वर्ष में प्रवेश करो तो आप एक ग्रेस के नीचे, एक सामर्थ के नीचे होने चाहिए। तो उसके लिए ही मैं खास एक प्रेम में हूँ, क्योंकि जब हमने 25 दिसंबर का प्रोग्राम किया तो वो इतना हीलिंग प्रोग्राम नहीं होता ना, वो एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारी डांस परफॉर्मर्स, बहुत सारा नाच गान, क्योंकि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो इतना हीलिंग प्रोग्राम नहीं होता ना। तो उसमें ये माइंड नहीं होता मेरे पास भी कि हमने बहुत सारी हीलिंग करनी है, लेकिन फिर भी बहुत हीलिंग हुई, बहुत सारे लोगों के जीवन बदले। लेकिन ये जो क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग है, इसमें परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर का वचन होगा, पावर होगी, सामर्थ होगी और बहुत सारी हीलिंग होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी होगा, रात को हम बहुत सारी हीलिंग्स कर सकते हैं
और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में कि खुदावंद ने मुझे ना इसमें एक खास प्रभु भोज के लिए मेरे मन में लगाया। इसमें हम एक खास प्रभु भोज करेंगे, वो आपके लिए अद्भुत होगा। देखना उस प्रभु भोज के नवाले को आप मुंह में लेते ही अपनी जिंदगी में कुछ ताकतवर फील करोगे, या जहाँ ऐसा आपको होगा कि खाते ही आपकी शरीर में कोई रोग या कोई हालात नहीं रहेगा, एकदम से उसकी सामर्थ्य से भर जाओगे। ऐसे खुदावंद ने मुझे कहा है, तो इसलिए ये मीटिंग हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कलीसिया जितने हमारे विदेशों में और भारत देश में हैं, जो तो पहुंच सकते हैं आज ही पहुंच जाओ, है ना, इंडिया के लोग, क्योंकि ये अगर आप वहाँ पर लाइव बैठकर, है ना, प्रेजेंट उसकी प्रेजेंस में, है ना, इस मीटिंग को लोगे तो फिर जबरदस्त ग्रेस होगी। लेकिन जो बहुत दूर है उनके लिए तो मजबूरी, उन्हें घरों में देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सब इंतज़ाम है, ठंड का भी हमने पूरी नीचे पराली को बिछा दिया है मैट के नीचे और पूरा कवर कर दिया है। देखना उसके अंदर फॉग नहीं आएगी, कोई किसी भी तरह की हवा नहीं आएगी उस हमारे शेड के नीचे। लोग तो टेंट्स में करेंगे, हम लोग तो हमारे पास शेड है ना, तो ठंड ठुंड नहीं लगेगी। तो ये हमारी पूरी तैयारी है आप लोगों के लिए। हीटर्स भी होंगे, है ना, ऐसे हम गर्म कोले भी जला कर रखेंगे ताकि आराम से हम बैठकर प्रभु की हजूरी का आनंद मान सकें और पवित्र वचनों को सुनकर अपनी लाइफ को परमेश्वर के नज़दीक लेकर चले और उसकी इच्छा में चले, है ना। हम जानते हैं जब ऐसा हम करते हैं तो वो ग्रेस, वो सामर्थ काम करती है जिससे हम आगे बढ़ते जाते हैं। 2-3 दिन से मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन डोंट वरी, है ना, बोलने में थोड़ी सी वॉइस में डिस्टर्बेंस है, लेकिन डोंट वरी, ये तो होता रहता है। ज़्यादा प्रे, ज़्यादा बोलने से गला ऐसे हो जाता है, थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो आपको बढ़ाने के लिए और नव वर्ष आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त लाने के लिए मुझे यूज़ करेगा, है ना, 31 की नाइट को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बाइबल में लिखा था कि अंत के दिनों में बहुत कुछ होगा, ऐसे भी लिखा था कि लोग खरा वचन नहीं सुनेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक ढूंढ लेंगे। खरा वचन नहीं सुनेंगे ना, लेकिन खरा वचन ही आपको अनंत जीवन देगा, याद रखना। क्योंकि ना जैसे बहुत कुछ हो रहा है ना हमारे लोगों में, सेवकों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अभी आप और बड़ी चीज़ें देखोगे, है ना। जैसे मैंने देखा कितनी वीडियोस आ रहे कि एक पास्टर को जो पुराने ज़माने के कपड़े जैसे पहनकर, लंबे लंबे चौड़े जैसे, लंबे लंबे बाल रखकर, और उनके लोग उन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं ये यीशु ही है, ऐसा भी हो रहा है, है ना, ऐसी चीज़ें भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में फिल्म एक्ट्रेस आ रहे हैं तो आना चाहिए ना, उनकी रूह बचनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो तो एक एक्टर है, है ना, जैसे एंटरटेनमेंट करने वाली दुनिया है वो, है ना, उनका तो प्रोफेशनल ऐसा है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। हम देखते हैं ना फिल्मों में उनके जो सीन्स होते हैं, उनके शब्द कितने अश्लीलता से भरे होते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो शारीरिक लोग हैं, संसार की दुनिया के लोग हैं, लेकिन एक्ट्रेस हैं, टैलेंट है, तो लोग उनको मानते हैं। लेकिन जब भी किसी भी चर्च में या जब भी वो लोग परमेश्वर उन पर दया करे तो उनको मौका मिले, है ना, कि ऐसे किसी अगुए की पुलपट पर, तो अगुए को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या उनसे बुलवाना है, क्या उनके शब्द होने चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र वे है रूहों को बचाने का।
अगर किसी अगुए ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो पुलपट पर कुछ भी आगे पीछे और गंदी बातें भी बोल रहे हैं, इसका असर क्रिश्चियनिटी पर माड़ा होगा, बुरा होगा। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर बड़ा ख़राब आ सकता है। पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24, 25, 26 ये मत सोचना कि क्रिश्चियनिटी के लिए बड़े अच्छे साल होंगे। क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी, लेकिन याद रखना, मैं इसे डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 31 में मैं कल इस पर एक प्रोफेसी करने वाला हूँ क्या होने वाला है। कुछ अच्छा भी नहीं होने वाला, लेकिन जो लोग खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को सच्चाई से अच्छे से बना कर रखेंगे, वो बहुत सारी मुसीबतों से बचाए जाएंगे, जिनका भाव मैं देख रहा हूँ आने वाले सालों में। लेकिन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं बस यही आपको मैसेज दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, उसने हमें चुना है, सुसमाचार हमने देना है, खुदा के कामों में और बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है खुदा का काम, क्योंकि सब कुछ बाइबल कहती ख़त्म हो जाएगा। तुम पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, तो हमारा स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना ही परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, रूहों को बचाना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये 31 की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में एक यादगार मीटिंग होगी। तो इसे आपने परिवार सहित बच्चों समेत आना है, क्योंकि जो आपके यंग्स बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी पर एक बड़ा असर परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य का हो। आई होप इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले और लोग आए। हर तरह का इंतज़ाम आपके लिए होगा और परमेश्वर आपको बरकत दे। मिलते हैं एक ताकत से, एक ग्रेस से, एक सामर्थ्य से कल की क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में, और 31 की शाम को। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावंद तेरी सामर्थ्य इन पे, कल तेरी मीटिंग में आने की कोई अंधकार की शक्ति की रुकावट इन्हें बाधा ना डाल पाए। खुदा तेरी सामर्थ्य इन्हें लाए, इनके मन खुले, कल की मीटिंग इनको, इनके बच्चों को, परिवार को ब्लेस करे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। तो मिलते हैं कल, परमेश्वर आपके साथ है, आमेन।